अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्कशन है लेक्चर में। तो इसमें मैं बताता चलूँ हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसी लेक्चर में ना मोटी मोटी चीज़ें हम कवर करेंगे, यानी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मैकेनिक्स होगी, ठीक है उसमें। अब क्योंकि ये मैकेनिक्स का पोर्शन है ना, तो इसमें मैं बताता चलूँ कि सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है, टाइटल में आपने देखा होगा कि इसमें ना वेक्टर एनालिसिस भी लिखा होगा। तो वेक्टर एनालिसिस वो असल में मैथमेटिक्स है, तो इसमें और मैकेनिक्स में ये वाला जो पोर्शन है मैकेनिक्स का, तो कुछ चीज़ें सिमिलर है। फॉर एग्जांपल इसमें हम वेक्टर्स वगैरह को देखेंगे, और वो हमारी उसमें भी हैं, क्या नाम है, वेक्टर एनालिसिस में। और उसमें जो चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्ट्स हो गए डिफरेंट, और उनके जो डाइवर्जेंस हो गया, जो उनका उसका ग्रेडियंट हो गया या कर्ल, तो ये सारा इस पोर्शन में भी है। तो अगर आप ये भी देख लेंगे तो वो भी आपका हिस्सा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये BS मैथ के बच्चों के लिए भी है जो कि ये पढ़ते हैं, ठीक है, और जो BS फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो BSc के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी जो दूसरे डिपार्टमेंट जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ना आपको मोटी मोटी मालूमात देनी है, क्योंकि टाइम कम है, कल एग्ज़ाम भी है। तो ये एक कह लें बस, एक तो हमने पढ़ा था इंस्टेंट लर्निंग कोर्स था, ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा, बस आधे घंटे के अंदर मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कवर हो गया तो कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हाँ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अगर देखा है तो कमेंट ज़रूर करना कि जैसी भी वीडियो लगी है वो बता देनी है आपने। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ शुरू से करते हैं कि हमारा आ जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इधर मैंने कोई ना तैयारी नहीं की, क्योंकि अभी तकरीबन सुबह के 6-7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो बस मैं जो फिल्मी निकल आया, ठीक है। तो स्टार्ट किया हमने, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने देखी थी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तबई मकदार, ऐसी मकदारें होती हैं जो भी मैयरेबल हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे लंबाई टाइम, या लेंथ मास टाइम, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन अभी इनमें हम दो टाइप्स हमने डिस्कस की हुई हैं, आपने पढ़ी होंगी पिछली क्लासेस में। नंबर वन, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ उनकी वैल्यू, उनकी डायरेक्शन ना हो, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इनमें जो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर, बात कर लेते हैं टाइम की, बात कर लेते हैं मास की, बात कर लेते हैं, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें दूसरी टाइप थी, वो थी वैक्टर क्वान्टिटीज़। वैक्टर क्वान्टिटी कौन सी होती है, इसमें क्या था, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है, ठीक है, तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं उसकी एक वैल्यू भी होती है और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एरो से, एरो लगा लेते हैं, नहीं तो बोल्ड फेस लेटर से ही शो कर देते हैं बुक्स में। अब एक इसकी ना मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इसको समझाने के लिए, कि फ़र्ज़ करें हमारे पास क्वान्टिटीज़ है, ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ना ये रास्ता है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ठीक है, हमने जाना ए से बी की तरफ, और ये क्या है, रास्ता है। अब ये टोटल जो रास्ते की लंबाई है ना, वो हमारा इसमें होगा डिस्टेंस, क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, याद रखना ऐसा है, ठीक है। ये क्या होता है, रास्ते की लंबाई। अब इसमें जो डायरेक्शन है ना, वो खास नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो रही है बार बार, कभी ऐसे, कभी नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ, बार बार चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, ये ऐसे फा स्केलर नहीं है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस। और अगर हम इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ले, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन खास नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम, क्या है यहाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम, क्या है रेक्टेंगुलर सिस्टम,
रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है कि इसमें ना दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, दो या तीन लाइन, ठीक है। इसमें ये टू डिमेंशनल हो सकता है, थ्री डिमेंशनल। टू डिमेंशनल कब होगा, जब इसमें तीन लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उनको टू डिमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर तीन लाइन आपस में बना रही हो 90 का जाविया या परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होती है, थ्री डिमेंशनल। तो एक्स वाई प्लेन में ये हमारा कह लें ओरिजिन आ गया, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक कह लें एक पार्टिकल था इधर, उसकी पोजीशन को हमने बताने के लिए एक वेक्टर खींच दिया ओ पी, ये हमारा एक वेक्टर, इसको आर कह देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वेक्टर आर है, अब इसका कुछ साया या प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, तो वो होगा हमारा आर एक्स, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, आर वाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये हमारे आर की वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स, या फिर इसको कह लें आर एक्स ही कह लें, आर एक्स को शो हम ऐसे कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स, आर एक्स प्लस अलॉन्ग वाई एक्सिस जो इसका डिस्टेंस यानी जो उसकी मैग्नीट्यूड है। तो ये आर एक्स आई और ये आर वाई जे, ये यूनिट वेक्टर होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, तो ये आ जाएगा आर वाई जे, आर सॉरी जेड के, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है जिसके ऊपर इस तरह ना कैप होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स की एडिशन हमने पढ़ी हुई है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या होती है, कि फ़र्ज़ करें इसका मैं रूल बता दूं कि हमारे पास ये तो फ़र्ज़ करें दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। अब इसमें मैं कोशिश करूँ बस गो थ्रू करवाऊँ चीज़ें, और क्या करना है, इसको ए को बी में ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है ना। तो पहला वेक्टर क्या हमारे पास ए है, तो उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा वेक्टर इस तरह लिखना कि उसकी जो टेल है पहले वाले वेक्टर के हेड पे आए, तो ये ऐसे ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, लास्ट टाइम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिला लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास एडिशन होगी। सब्सट्रैक्शन भी इस तरह होती है, बस ये होगा कि जब हम इसका करेंगे ना, तो मतलब माइनस, ये बी है ना, तो इसका माइनस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, उसको उसमें प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे पास इसका प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में ये ज़रब के निशान से शो कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें तीन मल्टीप्लिकेशन आती हैं। नंबर वन इसमें आ जाती है विद स्केलर, या फिर विद एक नंबर ही काट लो पहले नंबर, ठीक है। नंबर टू इसमें आ जाती है विद स्केलर क्वांटिटी और विद वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी एक तो हम कहते हैं कि स्केलर के साथ हमने ना मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी किसी नंबर के साथ हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन एक हमारा पास वेक्टर है, फर्ज करें ये ए है, ठीक है। अब इसको मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हमारे पास मैं फर्ज कर इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड ना उतने गुना बढ़ जाएगी, मतलब ये टू हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट उससे दुगनी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर वन कि किसी नंबर के साथ हमने करवा दी। नंबर टू था इसका स्केलर प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, मसलन ए डॉट बी, इसको हम दरमियान मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ए बी कॉस थीटा, इसको इस तरह जाहिर करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं प्रीवियस लेक्चर में, मैं बस इसको गो थ्रू करवा लूँ ताकि मैं इसको आगे लेके जा सकूँ। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये होती है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है,
दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी अगर आपस में दो मल्टीप्लाई करें और हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो जाए उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी इसको हम ऐसे सेव करते हैं ए क्रॉस बी, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन ये क्या होती है, एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये इसकी ना डायरेक्शन को शो करने के नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये मैं समझ, ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसका ना मकसद थोड़ी देर में बताऊँगा कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं, हमारी नेक्स्ट आ जाती है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि किसी भी वेक्टर की अगर हमने डायरेक्शन को शो करना होता है ना, तो वो हम किस तरह शो कर सकते हैं, वो हम उसको अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो उसका एंगल होता है ना, उसके साथ हम शो करते हैं। मसलन मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ, अब इसमें ये जो एंगल बना रहा ना, ये वाला, अब ये असल में क्या कर रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है विद रेफरेंस टू दिस एक्सिस, ठीक है। तो इसी तरह डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं कि फर्ज करें हम एक थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो इसमें ना क्या ले, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर आर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी ये एंगल बना रहा है। अब ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसको अल्फा कहते हैं, जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वो बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है उसको एंगल गैम्मा, ये एंगल गैम्मा, ठीक है। तो ये इन डायरेक्शन एंगल्स का जब हम ले लेंगे को साइन ले लेंगे यानी कॉस ले लेंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल क्या कहलाएंगे, हमारे डायरेक्शन को साइन कहलाएंगे, ठीक है। और इसकी जब हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारी आ जाती है, क्या नाम है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है हमारा वन, ठीक है। और इसको अगर हम कंपोनेंट्स की इसकी फॉर्म में अगर इसके लिखते हैं, ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर की भी हो, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, मसलन ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर इधर आर के हिसाब से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर यूनिट वेक्टर कितना, कॉस अल्फा आई यानी जो इसने इसके साथ बनाया एक्स कंपोनेंट के लिए, प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि कंपोनेंट्स हम बात करेंगे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से हमने चीज़ें देख ली। अब इसमें जो जितने भी हम आगे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, हमने बस बेसिक कंसेप्ट को जहन में रखना है और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है, नहीं तो ये पूरा एक लेक्चर लेने वाली, हर टॉपिक के ऊपर पूरा लेक्चर चाहिए। तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि हम, ये हमारे पास एक सिलेंडर किस तरह होता है, ये हम थ्री डिमेंशन में एक इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये है हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सिलेंडर में कि ये एक जिसमें ना ये हमारी एक सर्कल है ना, सर्कल को बस हम क्या करते हैं उसका हम एक रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ उसको बस ऊपर लेके जाए जाएंगे, यानी ये फर्ज करें एक सर्कल है,
ये पहले इधर था नीचे, अब ये सर्कल हम उठा के ऊपर ले आते हैं। अब ये लेंथ भी हमने इसमें इंक्लूड करनी है, यानी जो सर्कुलर हमारे पास लेंथ होती है ना, ये जिस तरह ये एक मार्कर नज़र आ रहा है आपको, ये इसमें ऊपर भी एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल की लेंथ को जब मैंने ऊपर इसको नीचे से लेके हम ऊपर लेके गए हैं, तो ये एक सिलेंडर बना देता है। अब इस सिलेंडर में ना कुछ कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। मसलन ये इसका एक पॉइंट, ये इसमें ना इस तरह का सिलेंडर होगा, ठीक है। तो इसके अब कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन, ये हम इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस आ गए, ठीक है। अब इसके ना हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोई भी पॉइंट है ये इधर ले लेते हैं, ये कोई भी पॉइंट भी है। इसके कंपोनेंट्स अगर रेक्टेंगुलर अगर हम देखेंगे तो वो होंगे एक्स वाई और जी, ठीक है। लेकिन अब हमने इसमें क्या देखना, इसमें हमने देखने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास इसमें आ जाएंगे रो, फाई और जी, ठीक है। अब ये रो और फाई क्या होता है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। अब इस वेक्टर का ना ओपी का ये एक साया बनाएगा किसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, यानी ये एक साया बना रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होगी ना इसका, उसको हम रो कहते हैं, और ये जो एंगल विद इसके बना रहे हैं ना एक्स एक्स के, ये हमारे पास आ जाता है फाई, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है फाई। अब इसमें कोई आपसे कोई कहेगा कि सवाल में अगर पूछा जाए कि आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से जाना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो आप इस रिलेशन को देखेंगे, जेड की वैल्यू वही रहेगी लेकिन हमें एक्स की वैल्यू रो में निकालनी है और वाई की जगह हमने निकालनी है फाई की वैल्यू। तो उसने वैल्यू दी होगी इसमें, हमने इसमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी उसमें आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल्स टू रो साइन फाई, और z हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा। मैंने बताया, अब हम बस प्रूफ देखेंगे, मोटा मोटा कंसेप्ट लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है, वो ये है कि ये इसकी जो ये z एक्सिस है ना, ये इसमें फिक्स रहता है, ठीक है, ये इसमें फिक्स रहता है। हमारा ये सिलेंडर है ना, अभी इसकी बेशक ये वाली लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, इसमें दो एक्स और वाई चेंज हो रहा है, लेकिन जेड इसका सेम रहेगा, तब ही सिलेंडर बनेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, किसी भी शेप में, कि सिलेंडर होता है इसी कि उसमें एक एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, वो होता है लंबाई वाला उसकी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे इसमें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम इसी तरह होंगे कि इसमें हम कर लेते हैं, ये सिलेंडर में ही हम लेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब इसमें ना जो होता है ना हमारा, इसमें ये जेड होता है ना हमारे ये सिलेंडर में, जेड हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। स्फेरिकल में क्या होता है, जेड फिक्स नहीं होता, वो भी वेरिएबल, वो भी चेंज हो जाता है। तो इधर लेट करते हैं, ये हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, उसका एक पॉइंट इधर करके या कहीं पी, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए हम एक वेक्टर खींच देते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसकी जो पोजीशन को शो करेंगे तो वो आ जाएगी रेक्टेंगुलर पोजीशन, क्या होगी हमारे पास, एक्स वाई जी। लेकिन अगर हमने इसको करना पोलर में, ये याद रखना ये फॉर्म है पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास आर, थीटा और फाई। इसका बता देता हूँ ये कौन कौन से एंगल होते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। तो इसमें ये वही कंसेप्ट है कि ये बनाएगा क्या, एक साया बनाएगा, प्रोजेक्शन बनाएगा। तो ये प्रोजेक्शन को हमने इससे मिला देना, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये कह लें ये हमारा ओरिजिन ओ है, ये जो पॉइंट है पी, इसको मैं कह देता हूँ एम, ठीक है। और एम पे क्या है, इधर कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी इधर इसमें ये जहन रखना है कि ये प्लेन है,
यानी ये प्लेन है, अब इसमें यानी ये प्लेन इस तरह, और इसमें हम नीचे ले आए ना, तो ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये ज़ीरो हो गया क्योंकि प्लेन के ऊपर हम ले आए हैं इसको। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई के ही होंगे, यानी इधर से पास आगे गया, इधर से इस तरफ आया, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर आया और वाई के अलॉन्ग इधर गया, लेकिन ऊपर नहीं है, तो इस इधर होगा जेड की जगह ज़ीरो होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये हमने देखा था, ये एंगल जो बनाती है इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, सेम जो हमने पहले पढ़ा था, वो क्या है, फाई। और ये जो है ना बनाता है एंगल वेक्टर आर विद ये वाले जेड एक्सिस के साथ, ये बनाता है, ये थीटा होता है, ठीक है। आर ये हो गया थीटा, ये एंगल, और ये फाई एंगल हो गया। अब इनके हम रिजल्ट्स ही फाइंड करेंगे, यानी उनको हम कंक्लूड करेंगे सीधा, कि हमने उसने ना हमें सवाल में पूछेंगे वो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, वो कहेंगे आपने इनको इनमें बदलना, ठीक है, रेक्टेंगुलर को पोलर में बदलना, फॉर स्फेरिकल फॉर सिलेंड्रिकल में ये इसके होंगे, उसमें ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए होगा हमारे पास आर किसके बराबर होगा, आर का मैग्नीट्यूड वैसे निकाल लेंगे जैसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दें, वो कैसे, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए मैं वैसे लिख लेता हूँ ताकि आप कहीं ये क्या पहले उधर कुछ और लिखा इधर कुछ और लिख दिया, ठीक है। ये आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो इधर आर की वैल्यू हम वही लिख लेंगे। अब इसने अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस तय किया है एक्स, उसके लिए मैं इसके लिए आज लिख रहा हूँ, वो तो इसमें मैंने ये लिखा था ना, इसलिए मैंने ये लिखे हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए आज लिखूँगा तो मैं वो ठीक इसके लिए आज लेंथ लिखूँगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो फासला तय किया एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो किया वो वाई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग किया वो जेड होगी, ठीक है। आर और थीटा इधर होगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ जेड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो फाई होगा ना वो बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। अब ये कैसे फाइंड किया इनको भी भूल जाएं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, कल पेपर है। और ये हमारे हो गए, बस उसने सवाल जहन में रखना है, वो कहेगा कि आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उनको आपने बदलना पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में या पोलर स्फेरिकल में, सिंपली इन फार्मूलों में वैल्यू प्लग इन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वो है कुछ ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव असल में ना किसी स्मॉल चेंज को या चेंज इन एनी वैल्यू उसको शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या कहते हैं डेरिवेटिव उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं ना वेलोसिटी की, ठीक है, तो उसको भी हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये जो चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको आप छोटी क्लासों में ना डेल्टा से इससे शो करते थे, ठीक है, इस तरह डेल आर ओवर डेल टी,
लेकिन अब हम इसको नई फॉर्म में अगर हम देखेंगे, अब ये क्या था कि ये हमारे किसी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ अगर ऐसे हैं कि फ़र्ज़ करें वो एक ही टाइम में क्या हो रही हैं, अपनी तीनों एक्सिस की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, यानी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी चेंज हो रही हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो हम एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये डेल्टा से उल्ट होता है इस तरह, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी जिस तरह स्मॉल चेंज को हम डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं ना, इसको हम कर्ली से भी ज़ाहिर करते हैं। मसलन ये कर्ली आर ओवर कर्ली टी, ठीक है, तो ये आपने ना जेन में रखना। तो हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर इसको भी मैं थ्री डिमेंशनल वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास कर्ली ओवर कर्ली एक्स प्लस यानी अलॉन्ग आई कर्ली ओवर कर्ली वाई जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली जी के, ठीक है। तो ये किसी भी क्वांटिटी को के अंदर जो चेंज हो रहा है तीनों डायमेंशन यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी, उसको साइमल्टेनियसली अगर हमने मेजर करना है तो वो इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, ये इसमें है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, हमने इसमें विद रिस्पेक्ट टू के उस एक्सिस के अलॉन्ग जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो कर्ली ओवर कर्ली एक्स यानी ये हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी के चेंज बता रहा है, उसके साथ साथ वाई एक्सिस के भी, उसके साथ जेड एक्सिस के भी, ठीक है, तो तीनों के अलॉन्ग ये चेंज बता रहा है। नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, जैसा कि फील्ड क्या होती है। ए फील्ड इज अ रीजन इन विच ए फंक्शन एस इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स दस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब फील्ड क्या होती है, फील्ड की बात कर लेते हैं। इसकी समझ लगी, तो फील्ड की बात कर लेते हैं। ये कोई भी रीजन होता है, यानी एक ऐसा रीजन जिसमें जो ना फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक रीजन है, ठीक है, अब उसमें क्या हो जो उसकी जो वैल्यू हो ना, ठीक है, बस वो हर जगह उसकी एक डेफिनाइट वैल्यू हो, यानी इस रीजन के अंदर इसकी जो क्या हो जो वैल्यू हो ना हर पॉइंट पे, इस रीजन के अंदर हर पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू क्या हो डेफिनाइट हो, ठीक है, कॉन्टीन्यूस या डेफिनेट आप कह सकते हैं। इसमें अब दो फील्ड्स आ जाती है, नंबर वन स्केलर फील्ड, ठीक है, अब स्केलर फील्ड में जो हमारे पास मिसालें आ जाती हैं, ए स्पेस ए रीजन इन ए स्पेस इन विच वेक्टर क्वांटिटी इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफाइंड बाय अ सिंगल वैल्यू एट ए पॉइंट, ठीक है, तो स्केलर फील्ड वो कहता है ऐसी फील्ड होती है जिसमें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, मतलब मैं इस पॉइंट पे अगर इस फील्ड की वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूँ तो इसी पॉइंट में बस एक वैल्यू से हम इसको कॉन्टीन्यूसली क्या कहते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक ही पॉइंट में। और इसके लिए हम कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर की मिसाल ले लें, ठीक है, तो टेम्परेचर भी आप ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से अगर कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, बल्कि नहीं, वो क्या होगा साइमल्टेनियसली चारों तरफ से वो सेम ही चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड में हमारे पास आ जाता है वही सेम इसके वाली डेफिनेशन है, बस इसमें एक बात आ जाती है कि इसमें ना वो क्या नाम है वो डायरेक्शन की बात आ जाती है इसमें थोड़ी सी, ठीक है, सेम बिल्कुल इसका भी चक्कर वेक्टर स्केलर फील्ड जैसा ही है। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो हमारी है अब हमारी जो मेन डेफिनेशन है वो है कुछ ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, CURL कर्ल। तो जब हम बात करते हैं कि आपसे सवाल किया जाए कि भाई इस ना एक उन्होंने वैल्यू दी होगी कि इसका आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, या फिर आपने इसका इसके क्या नाम है डाइवर्जेंस आप फाइंड कर सकते हैं वो आपने करनी है, और तीसरा वो आपसे पूछ सकता है कि आप वो क्या फाइंड करें उसकी,
कर्ल फाइंड करें, तो बड़ा ही सिंपल जहन में रखना है वो ये तीन आपको मैंने जो रूल बताए थे ना वो इसके ऊपर इनसार करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी है, जिस तरह आप एक क्या नाम है नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, इसी तरह ग्रेडियंट में क्या होता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को ना हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखनी है, सिंपल मल्टीप्लाई होता है उसमें, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के साथ लेकिन सिंपल। तो ग्रेडियंट हमारा मसलन मैं कहता हूँ ना, ग्रेडियंट हमारे पास एक वेक्टर है कोई भी ऐसे ले लो, तो उसका ग्रेडियंट ऐसे क्या होगा, उसको ना बस इस ऑपरेटर को ना उसको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे कि ये। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है वो उसका होता है डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो वो हमारा डाइवर्जेंस कहलाता है। तो अगर मैं लिखूं कोई वेक्टर है डाइवर्जेंस, मैं लिखता हूं कोई वेक्टर हमारे पास कोई भी ए है, ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या होगा, डेल ऑपरेटर डॉट ए। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसके इन थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली जी के। डॉट ए का अगर वेक्टर है तो उसको थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेके जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यानी इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो वो आ जाती है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए, किस तरह आ जाएगा, कर्ली ए एक्स ओवर कर्ली एक्स प्लस कर्ली वाई सॉरी कर्ली ए वाई। अब डॉट प्रोडक्ट आपको अगर लेना आता है ना तो ये आपके लिए आसान है, यानी इसको चुपका के इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस दरमियान वाली को दरमियान वाली के साथ और तीसरी वाली को इसके साथ कर देना, ठीक है, जिनको स्केलर प्रोडक्ट की ये डॉट प्रोडक्ट की समझ है उनको पता चल जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली वाई ए वाई प्लस कर्ली ओवर कर्ली जी ए जी, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए आ गया। तो आपसे भी एक सवाल दिया पूछा जाएगा, एक वेक्टर दे दिएगा, ठीक है, ये आपको एक वेक्टर दे देगा कोई भी, ओकेगा आपने इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो आप इसकी मदद से निकाल के आप इसी तरीक़ेकार को आपने यूज़ करना है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कर्ल की बात कर लेते हैं, किसकी बात, कर्ल। तो सिंपल ये है कि जिस तरह हम लेते हैं ना क्या नाम है वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो अगर हम कर्ल किसी वेक्टर का कहते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कर्ल ऑफ ए फाइंड करो, तो वो क्या होगा हमारे पास, सॉरी ये कर्ल ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, हम क्या करते हैं डेल ऑपरेटर को मल्टी क्या करना है, क्रॉस उसका प्रोडक्ट लेना है उस वेक्टर ए के साथ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वो वही लगा लेंगे ए बी साइन थीटा, तो इसमें ए हमारे पास ये और बी ए है, तो ये आ जाएगा इन दोनों की वैल्यू को हम लिख लें, या फिर इनकी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, मसलन ए क्रॉस बी को हम इस तरह लिखते हैं ना, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, सिमिलरली इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या, इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है? होता है कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली जी के।
तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लेना है, तो ए किसके बराबर होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो इसको ऐसे लिख लेना, और ये दोनों इसके बराबर आएंगे, यानी आई सॉरी ये हो गया आई जे के। तो पहला वेक्टर ये है, तो इधर आ जाएगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई और कर्ली ओवर कर्ली जी। इसी तरह दूसरा वेक्टर ये है, तो ये आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जी। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड द कर्ल ऑफ ए वेक्टर। बिल्कुल सिंपल है, ग्रेडियंट में सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट लेना है, और कर्ल में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं आपने सवाल हल करने हैं। नेक्स्ट इसमें ना कुछ देख लेते हैं, और चीज़ें हैं हमारी आ जाती हैं, वो है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल देखते हैं कि कॉन्टीन्यूसली आप फर्ज करें कोई भी एक लाइन है, ठीक है। चलिए मैं इसको रेज कर लेता हूँ, ये आ गया। तो लाइन इंटीग्रल में हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हमने अगर फर्ज करें कोई एक हमारे पास लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास हमने इसकी क्या करनी है, इसका टोटल सम फाइंड करना है। इंटीग्रेशन का मतलब ही सम आप करना ही होता है ना। तो इसमें अगर हम जब बात करते हैं लाइन इंटीग्रल की, तो जो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है ना, मसलन जब हम किसी भी वैल्यू का हम लेते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, मसलन मैं इधर लिखता हूँ अगर डी एक्स आगे लिखता हूँ, यानी 1 dx, तो ये बराबर होता है एक्स के। लेकिन जब हम लाइन इंटीग्रल में बात करते हैं ना, तो उसमें भी एक ही वेरिएबल को अलाउ किया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी एक फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, उसमें हमने लाइन कोई हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा, उसका लाइन इंटीग्रल क्या आ जाएगा किसी भी वैक्टर ए के लिए, वो आ जाएगा हमारे पास ए डॉट डी एक्स या डी एल, लेंथ एक लेंथ कह लें, ठीक है। अब ये लेंथ है डी आर भी, हम इसको कह सकते हैं, या कोई भी लेंथ ले सकते हैं, ठीक है, डी आर कह लें। अब इसको समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि फर्ज करें हम लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये लाइन इंटीग्रल क्या होगा कि सिर्फ इसमें एक लाइन इन्वॉल्व होगी, यानी फर्ज करें वो लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई है, ये जी है, तो ये सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए होगा ना, तो इधर आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको मिसाल दी है। इस तरह जब हम बात करते हैं ना, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल एक समझ लग रही है कि वो सरफेस होती है, तो सरफेस में एक नहीं दो एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, तो इधर क्या होती है, दो एक वेरिएबल था क्योंकि इसमें एक एक्सिस इन्वॉल्व था, इसमें हमारे पास दो आ जाएंगे, यानी डी वाई भी आ जाएगा, वो डी वाई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, वो डी वाई डी जी भी हो सकता है, बस दो होने हैं, उन्हें दो हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक प्लेन है, सरफेस है। और उसके लिए उसमें आ जाते हैं दो इंटीग्रल आते हैं, उसमें क्या आते हैं, इसमें क्या आता है सिंगल इंटीग्रल आता है, उसमें दो इंटीग्रल आते हैं, उसको हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, यानी ये, ठीक है। एक दफ़ा इसको इसके लिहाज से करेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरे वेरिएबल के लिहाज से हम इसको करेंगे, दो दफ़ा इंटीग्रल लेना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में तीनों का हम ले लेते हैं, यानी उसमें हम तीन इंटीग्रल ले लेते हैं, डी एक्स डी वाई डी जी, एक ही कंडीशन है। तो पहले क्या करेंगे, डी एक्स के अलॉन्ग हम करेंगे। अब इसका ना मैं आपको बता दूँ कि क्या सीन होता है, कि इसमें क्या होगा कि जब हम बात करते हैं ना, मसलन मैं कहता हूँ एक हमारे पास कोई भी वेक्टर है ये है, वो मैं कहता हूँ क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो इसका मैं पहले कहता हूँ कि आपने इसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करना, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल वो उसका क्या होगा,
तो अगर लाइन इंटीग्रल में बस एक ही लेंथ आएगी तो वो हमारा आ जाएगा सिंपली ए एक्स, ठीक है, और डॉट डी एक्स, ठीक है। अब मैं लेट करता हूँ कि वो ए जो लेंथ है ना हमारे पास, वो हमारे पास एक्स है, यानी ए एक्स हमारे पास एक्स के बराबर है आई प्लस ए वाई हमारे पास बराबर है जे के। ये आपको समझाने के लिए बस एक केस बता रहा हूँ। और जेड हम कहते हैं कि ये के ए जी के बराबर है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स डॉट डी एक्स। अब इसमें ना क्या का नाम है, अब हम लाइन इंटीग्रल ऑफ ए लेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए लेना है तो इसमें हम पूरा वेक्टर ही लिखेंगे, ठीक है। यानी इधर आएगा हमारे पास ए डॉट डी एक्स है ना, ये इस तरह होगा। अब इसमें पूरा वेक्टर लिखेंगे। अब ए की जगह ना मैं ये लेंथ लिखूंगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, ठीक है। वैसे भी ये मैं आपको बताता चलूँ कि ए एक्स बराबर एक्स होगा, कोई मसला नहीं। ए वाई बराबर होगा सिंपल वाई के, और ए जी बराबर होगा सिंपल जी के, टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने जो पहले लिखा था ये आएगा हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, तो इसमें ए की वेरिएबल आएगा, वो डी एक्स हो सकता है या डी वाई हो सकता है या डी जी हो सकता है, ठीक है। और ए की लेंथ बस इन्वॉल्व होगी, तो ये होगा हमारे पास ए एक्स, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और इसको हमने किसके लिए सॉल्व करना, डी एक्स के। अब इसमें देखें ये डी एक्स ना तो सिर्फ डी एक्स वाली की वैल्यू को करेगा, तो इन दोनों वैल्यू को वो छेड़ेगा नहीं। इसी तरह जब मैं बात करूँगा कि इसका सरफेस इंटीग्रल की बात करें, इसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे डी वाई भी, तो क्या होगा इन दोनों को वो छेड़ेगा, यानी इन दोनों के लिए इसमें फिर क्या होंगे, ये और ये वेरिएबल हो जाएंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसको फिर एज ए कांस्टेंट ही वो डील करेगा। इस तरह जब वॉल्यूम में हम बात करेंगे, ये सरफेस की बात है, ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या था, सिर्फ डी एक्स था, तो उसके लिए सिर्फ एक्स वेरिएबल था, बाकी दो कांस्टेंट थे। जब हमने बात करनी है सरफेस की, तो उसमें एक्स और वाई कांस्टेंट के लिए सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल होंगे, या कोई भी, अगर आपने डी एक्स वाई किया आप डी वाई डी जी भी कर सकते हैं, आप डी एक्स डी जी डी एक्स भी कर सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो जो से दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे ना, वो बस इसमें वेरिएबल होंगे, यानी इस अगर डी वाई और डी जी नहीं, तो ये दोनों वेरिएबल होने थे, ये कांस्टेंट हो जाना था। वो डिपेंड करता है आप लेंथ कौन सी ले रहे हैं। इस तरह जब वॉल्यूम में बात करते हैं, वॉल्यूम में तो तीनों आ जाते हैं, यानी अगर मैं इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेता हूँ, वो तीन दफ़ा इंटीग्रल आ जाएगा ए, इसका मैं वॉल्यूम इंटीग्रल लेता हूँ तो उसमें हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जी, ठीक है। तो इसको एक ही, पहले इसको एक्स के लिहाज से करेंगे, फिर वाई के लिहाज से करेंगे, फिर जेड के लिहाज से करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। नेक्स्ट इसमें ना मैं कुछ मेन आपको ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। नंबर वन इसमें आ जाता है, इसको रेस कर लेता हूँ, नंबर वन इसमें आ जाता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए यही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक ना इसमें एक पोर्शन इसमें कवर हो गया। तो इसमें मेन सवाल यही पूछे जा सकते हैं कि आपसे वो कह सकता है कि आप किसी वेक्टर का क्या करें, ग्रेडियंट फाइंड करें उसका, या फिर आप डाइवर्जेंस फाइंड करें या कर्ल फाइंड करें, या उसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करें, या उसका वॉल्यूम या उसका स्फेरिक जो होता है सरफेस इंटीग्रल वो फाइंड करें, या फिर आपको दिए होंगे कोऑर्डिनेट्स, वो कहेगा आप इस ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आप इनसे क्या निकालें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालें या फिर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो इस तरह का ही सवाल करेगा। मैंने मेन बेसिक रिजल्ट्स आपको बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद कर तो कुछ ना कुछ पल्ले पड़ ही गया होगा, तो
बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, फी नफसी मैं बस उठा हूँ, मैंने शुरू कर दिया क्योंकि टाइम नहीं है अभी, और भी बहुत सारे काम करने वाले हैं, और बस मैंने कहा चलें समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, अपना गुड लक आपके लिए उसके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो अच्छी, अगर पूरी देखी है तो नीचे बताना कि पूरी देखी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ना और भी कोर्सेज बकायदा डिटेल से आएंगे जैसे कि पहले मैंने अपलोड किए हैं, तो ये भी डिटेल से इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना, ठीक है, अपने तक नहीं रखना, इसको चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से कि एक चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसको ज़रा बेहतर तौर पर हम कर सकें। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।